Today I am going to explain the glyoxylation of alkenes. Potassium permanganate is very common for cis glyoxylation. Glyoxylation of alkenes. But this reagent, yani aapka jo KMnO4 hai, उससे ऑक्सीडेशन काफी केयरफुल किया जाता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में ओवर ऑक्सीडेशन होने का डर रहता है। हम इस रिएक्शन के थ्रू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं सिस ग्लाइकॉल में। KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ग्लाइकॉल से आगे भी बढ़ सकता है और इसी कारण इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड रखना है। ओवर ऑक्सीडेशन के कारण ये कन्वर्ट हो सकता है, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो सकता है डाइकीटोन में, कीटोन में डाई एल ये एल्डिहाइड्स में एल्डिहाइड्स में ओवर ऑक्सीडेशन के कारण ये एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ग्लाइऑक्सीलेशन का बेस्ट रिजल्ट अल्कलाइन मीडियम में मिलता है। सॉल्वेंट यहां हम वाटर ले सकते हैं या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं वाटर के साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं विथ वाटर ग्लाइकॉल बनता है हमारे इस रिएक्शन में लेकिन इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का यील्ड काफी पुअर होता है। इसका कारण है हमारा सब्स्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्वस मीडियम में इनसॉल्युबल है। इस कारण रिएजेंट का प्रॉपर कॉन्टेक्ट सबस्ट्रेट के साथ नहीं हो पाता, इसलिए ऑक्सीडेशन यील्ड प्रोडक्ट का यील्ड रिएक्शन में पुअर होता है। हम यील्ड को इंप्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग फेज ट्रांसफर रिएक्शंस में हम क्वार्टनरी अमोनियम हैलाइड यूज कर सकते हैं या क्राउन ईथर यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इनको यूज करें तो हमारे ग्लाइकॉल का यील्ड रिएक्शन में बढ़ सकता है। हम जब कभी भी एल्कीन का ग्लाइऑक्सीलेशन करना चाहें तो नॉर्मली हम 1% सॉल्यूशन लेते हैं अल्कली का
KMnO4 के साथ। हमारा प्रोडक्ट ग्लाइकॉल होता है, ग्लाइकॉल होता है। हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 पहले ऐड होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, 2+2 एडिशन होता है, उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है साइक्लिक एडक्ट का, और रिएजेंट रीअरेंजमेंट के बाद 3+2 प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, एग्जिस्ट करता है। हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेक करें तो रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, टू प्लस टू एडिशन, ये रीअरेंजमेंट होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये जो एडिशन प्रोडक्ट होगा वो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लिक इस्टर में जहां MN का ऑक्सीडेशन नंबर
रिड्यूस्ड हो जाएगा। साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट होगा और यही साइक्लिक एस्टर हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकॉल में और रिएक्शन में बचेगा MnOH डबल बॉन्ड O-, यानी कि हमारे पास होगा के सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर था, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा जो इंडिकेट करेगा ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया, यानी रिएक्शन का पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पाई कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा 2+2 एडिशन से, और जो रीअरेंज करके हो जाएगा 2+3 प्रोडक्ट, मोर स्टेबल साइक्लिक एडक्ट बनेगा और साइक्लिक एडक्ट हाइड्रोलिसिस से ग्लाइकॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन पाथवे, दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ दिस ग्लाइऑक्सिलेशन। हम ग्लाइकॉल के फॉर्मेशन को कंसीडर करें किसी भी एल्कीन का एग्जाम्पल ले लें, तो हम इथीन लेंगे और एक्वस अल्कलाइन के MnO4 के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये पहले जो एडक्ट बनाएगा वो होगा CH2OOMn, ईस्टर, साइक्लिक ईस्टर, और ये हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकॉल में। ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इस रिएक्शन का हम कंसीडर कर सकते हैं एल्कीन के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को लेकर। हम सिस ब्यूटीन ले लें और KMnO4 का रिएक्शन कराएं। KMnO4 का एक्वस अल्कलाइन KMnO4 का इससे रिएक्शन कराएं। डबल बॉन्ड का ये साइड, डबल बॉन्ड के प्लेन का ये बॉटम साइड जो दिखता है बोर्ड पर वो लेस क्राउडेड है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रेफर्ड होगा
हाइड्रोजन वाले साइड से, प्रेफर्ड होगा हाइड्रोजन वाले साइड से। तो Mn, KMnO4 का Mn KMnO4 का Mn पहले पाई कॉम्प्लेक्स स्टेज में जाएगा, Mn अट्रैक्ट होना शुरू होगा टुवर्ड द पाई बॉन्ड। जब अट्रैक्ट होगा तो KMnO4 को एडजस्ट करने के लिए हमारा मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्लेन से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्लेन से रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्पेशियल अरेंजमेंट स्टार्ट होगा, रीअरेंजमेंट स्टार्ट होगा विद इन द मॉलिक्यूल। और तब पाई कॉम्प्लेक्स के बाद ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। टू प्लस टू एडिशन एडक्ट बनना स्टार्ट होगा, जो लेस स्टेबल होने के कारण रीअरेंज्ड हो जाएगा। और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू प्लस थ्री एडक्ट में। हाइड्रोलिसिस से एडक्ट ग्लाइकॉल में कन्वर्ट होगा, और इस ग्लाइऑक्सीलेशन से हमारे मॉलिक्यूल में यानी प्रोडक्ट में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट होंगे, दो सिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर जनरेट होंगे। अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें तो एक कार्बन के राउंड आर कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे कार्बन के राउंड एस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि मॉलिक्यूल का एक हाफ आर कॉन्फ़िगरेशन रखता है और दूसरा हाफ एस कॉन्फ़िगरेशन रखता है, यानी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, यानी ये जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मेजो प्रोडक्ट। यानी सिस एल्कीन का अगर हम ग्लाइऑक्सीलेशन करें, KMnO4 ऑक्सीडेशन करें, तो हमारा जो ग्लाइकॉल होगा वो होगा मेजो प्रोडक्ट। अगर वही हम रिएक्शन ट्रांस एल्कीन का करते, ट्रांस टू ब्यूटीन को कंसीडर करेंगे अगर हम,
तो KMnO4 का एडिशन यानी एडक्ट का फॉर्मेशन डबल बॉन्ड के प्लेन के किसी साइड से भी हो सकता है बिकॉज क्राउडिंग इज एग्जैक्टली सेम इन बोथ साइड. हम एक्वस अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट होता है इस ग्लाइऑक्सिलेशन का उसको हम लिख सकते हैं CH3, this is H and this is OH and this one is OH. और हम कॉन्फ़िगरेशन फिर दो सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो गया और कॉन्फ़िगरेशन हम दोनों एसिमेट्रिक कार्बन का चेक करें तो पाएंगे इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन CH3 इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R होगा. दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R होगा यानी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहां पर सीक्वेंस दिखता है राइट टू लेफ्ट लेकिन लास्ट प्रायोरिटी का ग्रुप चूंकि डैश बेस पर नहीं है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन उल्टा दिखाई देगा. दिखता है S लेकिन होगा R यानी दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है और जब दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो निश्चित ही मॉलिक्यूल में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी यानी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा. यानी कि अगर सिस ग्लाइकोल सिस एल्कीन का सिस ग्लाइऑक्सिलेशन करें ग्लाइऑक्सिलेशन करें तो रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा मेजो और ट्रांस एल्कीन का अगर सिमिलर रिएक्शन करें यानी सिस ग्लाइऑक्सिलेशन करें ऑक्सिलेशन करें तो हमारे रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव. और चूंकि इस रिएक्शन को हैंडल करना काफी मुश्किल होता है दूसरी बात रिएक्शन एक्वस मीडियम में हम करा रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में प्रोडक्ट का यील्ड रिएक्शन में पुअर हो सकता है वेरियस बाई प्रोडक्ट मिल सकते हैं. हम दूसरा रिएजेंट यूज कर सकते हैं सिस ग्लाइऑक्सिलेशन में और वो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अपने प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ऑस्मियम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन ये कार्सिनोजेनिक है और कॉस्टली भी है इसलिए इस रिएक्टेंट को यूज करना काफी डिफिकल्ट है काफी मुश्किल है एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. लेकिन
जब कभी भी एल्कीन के साथ इसको यूज किया जाए, अगर यूज्ड होता है, इथरियल सॉल्यूशन में इसको यूज किया जाता है जहां सबस्ट्रेट भी सॉल्युबल हो सकता है, सॉल्युबिलिटी वाटर से ज्यादा है, तो सबस्ट्रेट का ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का कॉन्टेक्ट बेटर होता है, हमारा एडक्ट का यील्ड मैक्सिमम होता है, और एडक्ट का हाइड्रोलिसिस के बाद ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट हो जाता है। हाइड्रोलिसिस के बाद ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट हो जाता है, ये ग्लाइकोल में कन्वर्ट होता है। हम उसी तरह इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को पाई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्शन टुवर्ड्स पाई बॉन्ड एंड देन 2+2 एडक्ट फॉर्मेशन इन ट्रांजिशन स्टेट Finally, it is rearranged to produce more stable adduct and this is called cyclic osmetester. साइक्लिक ऑस्मेटिस्टर दिस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लाइकॉल प्लस H2OSO4 in which osmium is reduced into +6 state. Reagent completely consume होगा तो बार बार हमको reagent को use करना पड़ेगा, costly है ये। अगर हम reaction को cost effective बनाना चाहते हैं तो इस reaction के medium में हम NMO यूज कर सकते हैं जो बने हुए +6 स्टेट ऑस्मियम को +8 स्टेट में ऑक्सीडाइज कर दे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है N मिथाइल मॉर्फोलिन। N ऑक्साइड ये रिएक्शन के दौरान ही जैसे ही ये कंपाउंड रिलीज्ड होता है रिएक्शन के दौरान ही इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ये फिर
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में रिकन्वर्ट हो जाता है जो दूसरे एल्कीन में यूज्ड होता है। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ाना हो और रिएक्शन को कॉस्ट इफेक्टिव करना हो तो हमको यूज करना पड़ता है NMO इन द रिएक्शन मीडियम। हम सिस ग्लाइऑक्सिलेशन एल्कीन का कर सकते हैं आयोडीन सिल्वर एसीटेट के मिक्सचर को भी यूज करके, आयोडीन सिल्वर एसीटेट के मिक्सचर को भी यूज करके हम दो तरह का रिएक्शन मीडियम यूज कर सकते हैं, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा वाटर। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम यूज करेंगे तो इस ऑक्सीडेशन को प्रीवॉस्ट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और अगर वाटर यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वुडवर्ड्स ऑक्सीडेशन। इस केस में हमारा एंटी ग्लाइऑक्सिलेशन होता है और इस केस में सिस ग्लाइऑक्सिलेशन होता है। हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कंसीडर करें और आयोडीन को ले लें। आयोडीन और आयोडीन के बीच बॉन्ड काफी बड़ा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी लोअर है। ये डबल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोफाइल के तरह बिहेव कर सकता है और तब ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा और ये फिर धोखा दिया तो पुलिस को।
This is pre-washed oxidation. Pre-washed oxidation. और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के बदले सॉल्वेंट वाटर यूज किया जाए तो इट विल एक्ट एज अनदर न्यूक्लियोफाइल एंड इन दैट सिचुएशन सिस्क-लाइक ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस. आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट क्लास हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. थैंक यू.